Hello everyone. In the last lecture, we are discussing about discovery of subatomic particle. Today, we will discuss further. So, in the last lecture, we have discussed that there is something called as electron, proton and neutrons are present in an atom. So, now the thing is how the arrangements of these particular subatomic particles are there in atom. कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो कैसे अरेंज होते हैं अभी किसी भी पर्टिकुलर एटम में, तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग मॉडल्स दिए. जो सबसे पहला मॉडल था या फिर सबसे पहला जो हमारे पास थ्योरी थी जो जे.जे. थॉम्सन ने दी थी, जे.जे. थॉम्सन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम में. तो बेटा अब हम बात करेंगे डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स. ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स. सबसे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स. और जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है इसमें वो क्या है, जे.जे. थॉम्सन. ठीक है, जे.जे. थॉम्सन भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया. और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एक वाटरमेलन होता है. अभी उन्होंने बताया कि जैसे हमारे पास एक वाटरमेलन है ना, उस वाटरमेलन के अंदर क्या होते हैं, अभी वाटरमेलन के अंदर होता है रेड पार्ट और सीड्स. ओके, तो जैसे अगर मैं एक वाटरमेलन ड्रॉ करता हूँ तो इसके इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसकी तरह है, अभी जो प्रोटॉन रहेगा वो रेड पार्ट रहेगा, जितना भी पूरा रेड पार्ट है इसके अंदर वो क्या रहेगा, अभी प्रोटॉन्स रहेंगे. और जो सीड्स हैं, सीड्स क्या रहेंगे, जो सीड्स हैं वो हमारे पास क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, वो रहेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसको उन्होंने जो क्रिसमस पुडिंग या फिर केक होता है उसके साथ भी कंपेयर करा था, जिसमें उन्होंने जो ड्राई फ्रूट्स या फिर जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको इलेक्ट्रॉन्स माना था और जो किस जो आपके पास केक के जो बेस होता है उसको उन्होंने प्रोटॉन माना था. तो दो तरीके से उन्होंने कंपैरिजन करा. तो हमारे पास जे.जे. थॉम्सन मॉडल क्या है, जे.जे. थॉम्सन मॉडल कहता है कि एटम इज लाइक अ वाटरमेलन. इन वाटरमेलन द रेड पार्ट इज प्रोटॉन्स एंड द सीड्स आर इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द थिंग इज कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, अगर आपके पास 50 प्रोटॉन है तो 50 ही इलेक्ट्रॉन है. मतलब क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी. इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि आपके पास एक जो चार्ज है वो एक्सेस में ना हो. गॉट इट? So this is about जे.जे. थॉम्सन model, which considered an atom is like a watermelon in which the red part is proton and the seeds are like electrons. Okay बेटा, now ये जो model था भाई ये fail हो गया था. इसके limitations थी, एक जो सो major limitation थी वो ये थी कि दो positive charge अगर इकट्ठे हैं तो उनके बीच में repulsion होना चाहिए. लेकिन उन्होंने बताया कि जो दो positive charge जो है वो इकट्ठे रह सकते हैं. जैसे कि इन्होंने बोला कि जो रेड पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन की तरह. इसके अलावा भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे जिनको हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. उन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को जो जे.जे. थॉम्सन मॉडल था वो प्रूव नहीं कर पाया. तो नाउ वी कम्स ऑन टू द सेकंड मॉडल, एंड द सेकंड मॉडल एंड द इंपॉर्टेंट मॉडल इज और दैट इज रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट ही हैज डन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा. भी सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद उनके कंक्लूजंस क्या रहे, एंड देन वी विल कम टू कि जो मॉडल था वो क्या था. तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था भाई, इन्होंने सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सेटअप इन्होंने करा हुआ था. तो उन्होंने क्या करा, एक लेड का ब्लॉक लिया सबसे पहले, और उस लेड ब्लॉक में उन्होंने
एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला भी, जो क्या होता है, रेडियम। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था रेडियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन्स जो रेडिएशंस को क्या करता है, एमिट करता है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो रेडिएशंस को एमिट करे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, हमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया और उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के आगे हमने यहाँ पे एक स्लिट लगाई हुई थी। स्लिट का काम बस इतना है कि ये एक फाइन बीम प्रोवाइड करता है, जो रेडिएशन यहाँ से निकलती है उनके एक फाइन बीम प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक स्लिट लगाई हुई थी। इसके आगे हमारे पास थी एक गोल्ड फॉइल। ये हमारे पास क्या है अभी, ये हमारे पास है एक गोल्ड फॉइल। अब जो ये गोल्ड फॉइल है प्यारे बच्चों, इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो बहुत ही कम थी, दैट इज 100 नैनोमीटर। गोल्ड फॉइल जो ली गई वो 100 नैनोमीटर थी। अब बेटा जो रेडिएशंस यहाँ से निकल के गोल्ड फॉइल से टकरा रही हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको देखने के लिए एक स्क्रीन लगाई हुई थी भाई। और हम स्क्रीन किसकी यूज करते हैं, एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई हुई थी। और जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है वो किस कैसी थी, सर्कुलर इन साइज थी। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारे पास था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या करी, जिस टाइम इन्होंने रेडियम या फिर जो इलेक्ट्रो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उससे रेडिएशंस एमिट होना शुरू हुई भाई, वो किससे जाके टकराई, गोल्ड फॉयल से जाके टकराई। तो उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थी, जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशंस थी भाई वो थी कि हमारे पास जो 90% रेज है, 90% ऑफ रेज विल पास फ्रॉम द गोल्ड फॉयल एज सच। 90% जो रेज है रेडियम की, रेडियो एक्टिव मटीरियल की, वो सीधी की सीधी पास हो रही थी। मतलब यहाँ से रेज जो है वो सीधी जा रही थी भी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, अब कुछ रेज ऐसी थी, पहला ऑब्जर्वेशन था 90% रेज, मोर देन 90% बाय द वे, 90% रेज गो स्ट्रेट। ठीक है भाई, बिल्कुल सीधी जा रही थी। इसके अलावा कुछ रेज जो है वो कुछ एंगल पे, बहुत छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, फ्यू रेज आर डिफ्लेक्टेड टू सम एंगल। ठीक है भाई, और ये एंगल जो है वो बहुत ही छोटा एंगल था, कुछ डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। ठीक है, अब बेटा बहुत कम रेस, इवन दो इफ एल से अगर हम काउंट करते हैं तो 20,000 रेस में से एक रे, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तो बहुत कम रे, एक सिंगल रे ऐसी थी बहुत बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद, जो जैसे के जैसे जैसे जाती है वैसे के वैसे क्या आ जाती है, वापिस आ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा एंगल पे क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे रेज आएगी वैसे ही वापिस आ जाएगी, तो बहुत ज्यादा एंगल पे अगर रे डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ऐसी रेज हमारे पास बहुत कम थी। ठीक है, अभी वेरी 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 फ्यू और बहुत कम रेज जो है आर डिफ्लेक्टेड टू एंगल मोर देन 90 डिग्री पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा था ना रेस का, वो बहुत ही कम था बेटा। ठीक है, सो दीज आर ऑब्जर्वेशन, दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब कंक्लूजन क्या क्या ड्रॉ करें, इससे हमें क्या क्या पता चला भाई, हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसे देखा और ऑब्जर्व करने के बाद हमारे कंक्लूजन क्या क्या रहे, इन्फ्रेंसेस क्या क्या रहे, निष्कर्ष क्या निकला, उसके बारे में बात करेंगे। तो कंक्लूजन क्या क्या थे भाई, कंक्लूजन हमारे पास जैसे कि अभी हमने बताया कि बहुत सारी रेस सीधी की सीधी चली गई, इसका मतलब क्या है कि भाई एटम जो है उसका बहुत सारा स्पेस जो है वो क्या है, खाली है। So, सबसे पहला कंक्लूजन क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा स्पेस जो है वो क्या है बेटा, खाली है। ठीक है,
अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, सॉरी सेकंड कंक्लूजन क्या निकाला, बहुत रेज जो थी वो बहुत कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही थी, और बहुत कम रेज जो थी वो क्या थी हमारे पास डिफ्लेक्ट हो रही थी मोर देन 90 डिग्री एंगल पे। अच्छा एक चीज हम बताना यहाँ पे, जैसे मैंने बताया भी था रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में, हेनरी बेकवेल जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अल्फा रेज क्या होती है, अल्फा रेज क्या होती है भाई, अल्फा रेज होती है हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम जिसके ऊपर चार यूनिट चार्ज होता है, दो एटॉमिक नंबर होता है। अब बेटा हमने हीलियम न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो अगर पास करा गोल्ड फॉइल में से और हमारे पास डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस जो कि बहुत ज्यादा हैवी है वो किसी हैवी चीज से टकराया है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। दैट मींस इन्होंने बताया कि एटम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, जिस छोटे से हिस्से में क्या है, जिस छोटे से हिस्से में पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, किसका, एटम का, और जिसकी वजह से जो अल्फा रेज है वो डिफ्लेक्ट हुई है अभी। तो इसमें इन्होंने बताया द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा रेज इज कॉज्ड बाय अ स्मॉल एंड हैवी न्यूक्लियस, एक बहुत ही छोटा और बहुत ही हैवी न्यूक्लियस है जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन हुए हैं मोर देन 90 डिग्री या फिर कुछ एंगल पे, वो इसकी वजह से हुए भी, क्योंकि पूरा का पूरा मास एटम का जहां पे कंसंट्रेटेड है, और बाद में इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। सो रदरफोर्ड को न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जाता है अभी, ठीक है। तो अब हम आगे यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट आर द थिंग्स हमने अभी तक पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, कंक्लूजन क्या है। अब हम आते हैं एटॉमिक मॉडल पे, इन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ करके एटॉमिक मॉडल में क्या क्या चीजें बताई, कैसे हम लोग एटॉमिक मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ वी कम्स टू रदरफोर्ड्स मॉडल। तो रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था भाई, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम इज, सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई कि एटम इज हैविंग अ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, वेयर ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज द एटम इज हैविंग ए न्यूक्लियस विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, वो बहुत ही छोटा है साइज में, एंड विच इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, पूरा का पूरा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है अभी, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर पूरा का पूरा मास होता है न्यूक्लियस, पूरा का पूरा मास होता है एटम का। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज, अब बेटा बात आती है न्यूक्लियस के अंदर अगर बहुत ही हैवी चीजें प्रेजेंट है, और हमने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है उनका मास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। रह गए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास एटम है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं अभी। अब इन्होंने सोचा कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अभी, और एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज अगर साथ साथ है, तो इनके बीच में कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो उन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को आउटवे करने के लिए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टडी पोजिशन में नहीं रहते, वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं भी, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट पार्ट, बाहर वाले हिस्से में रहते हैं भी, ठीक है,
and revolving अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब बेटा इन्होंने क्या करा, न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं जैसे हमारे पास एक जो पृथ्वी या फिर अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है। जितनी भी प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो जैसे रिवॉल्व करते हैं वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। इन द सेम वे एज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है भाई। सो दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सॉरी। ओके, दिस इज अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये हमारे पास बात हुई रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, प्यारे बच्चों। एंड इसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके बाद उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस थे उनसे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करा, एंड द लास्ट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है भाई। सो दिस इज अबाउट थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। नाउ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी वही फेल हो गया था, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो फेल क्यों हो गया था। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, तो लाइट का ड्यूल नेचर होता है। ये सारी चीजें पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे, और जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस थी उनको दूर करने के लिए नील बोर वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने नया एटॉमिक मॉडल दिया था, जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो नील बोर मॉडल है या फिर रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं, उससे पहले हम लोग कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात आती है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की। एटॉमिक नंबर क्या होता है अभी और एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं अभी, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। एटॉमिक नंबर हमारे पास, मैंने आप लोगों को जिस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उस टाइम बताया भी था, और प्रोटॉन की डिस्कवरी में ये बताया था कि हम चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आता है, प्यारे बच्चों। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, ठीक है, इन एवरी एलिमेंट। तो उसी के बेसिस पे एटॉमिक नंबर को किसके बराबर बताया गया भाई, उसी के बेसिस पे एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल बताया गया, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर है तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो गए तो भी चार्ज आ जाएगा ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब आती है बात एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं भाई, क्या, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैंने ये आपको बताया था जिस टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंसिडर करके एटॉमिक मास निकालता हूं तो वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं भाई, इन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास। जैसा कि हमने बताया भी था कि न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है भाई, पूरा का पूरा मास प्रेजेंट होता है एटम का, इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। नाउ हम अब कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होता है अभी। तो आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम भी हम कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं,
अगर मैं कंसिडर करता हूँ मेरे पास x एक एलिमेंट का सिंबल है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, सिंबल को, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है, तो x यहां पे जो सबस्क्रिप्ट है यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। क्या होता है प्यारे बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है एटॉमिक मास। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। नाउ देयर आर फ्यू मोर टर्म्स दैट वी हैव टू डिस्कस, फ्यू डेफिनेशंस, दैट इज वन इज कॉल्ड एज आइसोटॉप। सबसे पहले हमें पढ़ना है आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है? फिर आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा भाई आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, एंड द लास्ट थिंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है अभी। सबसे पहले बात करता हूं आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स भी हमारे पास सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। वो एटम्स जो सेम एलिमेंट्स के हों उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो, लेकिन मास नंबर अगर अलग हो। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, हमारे पास जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं भाई, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है भाई, बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है एटॉमिक मास। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्रोटियम। जो हम हाइड्रोजन लेते हैं ना, इसमें एटॉमिक नंबर भी एक है और मास नंबर भी एक है। हाइड्रोजन का इसमें एटॉमिक नंबर एक है लेकिन मास नंबर दो है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसमें हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है और तीन हमारे पास क्या है? मास नंबर है, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। तो हमारे पास तीन आइसोटोप है। ऐसे ही हमारे पास कार्बन 12 और कार्बन 13 दो आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम्स है भी, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है? मास नंबर है। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में आइसोबार्स के केस में हमारे पास क्या होता है भी? एटम्स जो है वो क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं भाई, ठीक है? ओके, इसके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा बट मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, मास नंबर विल बी सेम। अगर मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर अलग रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसको बोलेंगे आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पोटाशियम और कैल्शियम की, इनका एटॉमिक नंबर 19 और 20 होता है लेकिन मास नंबर दोनों का क्या होता है? 40 होता है अभी, तो इसीलिए ये दोनों क्या है? आइसोबार्स हैं। अब अगर मैं बात करूं आइसोटोन्स की, आइसोटोन्स जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है अभी, आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो। जिस एटम में अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो क्या रहेंगे? आइसोटोन्स रहेंगे। सेम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए अभी? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोन। अच्छा मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, अभी हम बात कर रहे हैं आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, ठीक है? आइसोटोन्स क्या थे प्यारे बच्चों और आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, नाउ द थिंग इज आइसोटोन्स, मैंने जैसे बताया कि आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स होते हैं जिसमें क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, सेम नंबर ऑफ क्या हो? न्यूट्रॉन्स हो। अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस किस में हो सकते हैं? जैसे यहां देखो भी, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन क्या होता है? 6, 7 और 8। इसका मास क्या होता है? 12, 14 और 16। अब आप देखो, ओके, नाउ द थिंग इज कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है या नहीं है, बताइए? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है या नहीं है? अच्छा, कार्बन का एक और आइसोटोप होता है भी, क्या आइसोटोप होता है?
कार्बन का एक और आइसोटोप कौन सा होता है? कार्बन का एक और आइसोटोप होता है कार्बन 13। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 13 में से 6 गए। अगर ये एटॉमिक मास है, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर आप डायरेक्ट घटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कितना बच गया यहाँ पे, कितना बच गया अभी, 7 बच गया, और यहाँ भी 7 बच गया। तो ये सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाली स्पीसीज है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई बहुत बारी, अच्छे जो अगर मैं बात करूं जेई मेन की, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि हमारे पास O2 नेगेटिव है, फ्लोरीन 1 नेगेटिव है, सोडियम प्लस है। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हमारे पास क्या बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है, अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है। सो दिस इज अबाउट आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास बात हुई डिफरेंट टर्म्स की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के साथ साथ वो एक मटेरियल नेचर की वेव भी होती है। फिर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे, एंड देन वी विल लीड टू कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी, और नील बोर ने उन लिमिटेशंस को कैसे दूर किया। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।